નમસ્તે શાક્સ, કેમ છો? સરસ સરસ. હું છું પથિક પટેલ અને હું ફાઉન્ડર છું ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સનો અને અમદાવાદથી આવ્યો છું. અરે વાહ. ગુજરાતી હું. પહેલે કુછ ખિલાતા હું, ફિર ધંધે કી બાત કરતે હું. અમદાવાદ મેં બોલતે ના જલસા. જલસા. શરૂઆત કરતે અમન સે. શરારતી અમન કો ખાના હૈ કુછ ફન એન્ડ સ્વીટ. ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ મિની બાઇટ્સ હૈ પરફેક્ટ ટ્રીટ. યંગ એન્ડ એનર્જેટિક વિનીતા કો ચાહિયે એક હેલ્ધી સ્નેક. ઉનકે બેગ મેં રહેતા હૈ ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ ગ્રેનોલા કા છોટા પેક. અનુપમ હૈ સ્નેકિંગ કે શોખીન, ઇસલિયે ઉનકે લિયે લાયે હૈ ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ મલ્ટીગ્રેન મિક્સચર નમકીન. બીઝી ભી નમિતા પાસે ક્યાં છે બ્રેકફાસ્ટ નો ટાઈમ, એમના માટે લાયા છે ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ મ્યુઝલી પરફેક્ટલી ફાઇન. ઓન ધ ટ્રેક હોંગે દીપેન્દર કે ફિટનેસ ગોલ્સ, જબ હોગા ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ પાવર ઓટ્સ ઇન હિઝ બોલ. શાક્સ પ્લીઝ ખાઈએ, યે બહોત ટેસ્ટી હૈ. બસ યહી તો ચાહિયે હમ ઇન્ડિયન્સ કો, કે કુછ ભી ખાયે ટેસ્ટી જરૂર હોના ચાહિયે. આ તો સાચે બહુ સરસ છે. યસ, બહુ સરસ છે. શાક્સ મેં એક મેરેથન રનર હું, મેરે કો ભી હેલ્ધી સ્નેકિંગ ઇતના ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ જીતના ટેસ્ટ ભી. મેને ટેસ્ટ ઓર હેલ્થ દોનો કો જોડા ઓર બનાયા ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ. ફિટ એન્ડ ફ્લેક્સ એક એસા બ્રાન્ડ હૈ જો બનાતા હૈ ઓટ બેસ્ડ બ્રેકફાસ્ટ સિરિયલ ઓર સ્નેકિંગ પ્રોડક્ટ્સ. હમારે પ્રોડક્ટ્સ મેં હૈ એડેડ પ્રીબાયોટિક ફાઇબર્સ, રિયલ ફ્રીઝ ડ્રાઈડ ફ્રૂટ્સ, પ્રીમિયમ નટ્સ એન્ડ સીડ્સ, એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ we have the lowest added sugar compared to any other cereal brand in this category. Hamare sare products bante hain hamare state of the art manufacturing facilities mein jo vishwa mein sirf 4 brands ke paas hai aur india mein sirf fit and flex ke paas hai. Is european machinery mein hai ek innovative baking technology jise fit and flex ke products 360 degree slow baked hote hain, jinse milta hai ek unique crunch aur behtareen texture. हमारा विजन है कि हम फिट एंड फ्लेक्स को इंडिया का मोस्ट फेवरेट स्नैकिंग एंड सीरियल ब्रांड बनाना चाहते हैं. इसलिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीज फॉर 3% ऑफ द इक्विटी. सो शाक्स, आप बताइए कैसा लगा फिट एंड फ्लेक्स? अच्छा है, यम्मी है. थैंक यू भाई. चिवड़ा का टेस्ट आया मेरे को तो. जो आपने खाया वो ओट बेस्ड नमकीन है जो सबसे यूनिक है. सो पथिक, वेलकम टू शार्क टैंक. एंड पथिक, सबसे बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? कि आप एक्चुअली काफी फिट हैं और मैराथन रनर हैं. मैं हाल ही में बर्लिन मैराथन करके आया हूँ. कांग्रेचुलेशंस. क्या टाइमिंग था? 3:50. अमेजिंग, यू आर फास्ट. बट मेरा ये सबसे खराब टाइमिंग है. ओह अच्छा, तो आपका पीबी क्या है पर्सनल बेस्ट? मेरा पीबी है 3:34. अमेजिंग, वेल डन यार. मेरा 2:50 है. वेरी गुड, ठीक रहा है. तो आपने कब से रनिंग चालू किया? 34-35 इयर्स पे आई गॉट अ हाई ब्लड प्रेशर. सो जब से मैंने रनिंग स्टार्ट किया इज परफेक्टली फाइन. मैंने ईटिंग पैटर्न्स चेंज की और उसी कारण ये फिट एंड फ्लेक्स आया. उसके पहले क्या करते थे आप? मेरा बिजनेस है कॉटन इंडस्ट्री और केमिकल का. ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है? कॉटन का जीनिंग फैक्ट्री है मेरी. फैक्ट्री आपकी खुद की? यस. बिजनेस कितना है? 700-800 करोड़ का बिजनेस. व्हाट? स्केल तो काफी है, मार्जिन बहुत कम रहता है उसमें, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा है. तो आप उसी कंपनी में ये शुरू किया है आपने कि साइड में शुरू किया है? ऑल्टोगेदर डिफरेंट कंपनी है. तो वहाँ की प्रॉफिट्स आपने लेके यहाँ पे डाल के शुरू की है ये कंपनी? यस. आप अभी दोनों चलाते हैं? दोनों चलाता हूँ. 700-800 करोड़ की एक दूसरी बिजनेस हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन तो रहेगा. तो आप अपने ही पैसे डाल के बनाइए यहाँ पे क्यों? पैसा एक अकेला इम्पोर्टेंस नहीं है, वी नीड मेंटरशिप आल्सो. हेल्दी स्नैकिंग इज बिकम लाइक अ फैशन. यस. उस भीड़ में आप कैसे नेविगेट करो? हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंपटीटर्स के पास नहीं है. इसमें क्या टेक्नोलॉजी? ये लाइन सिर्फ इंडिया में फिट एंड फ्लेक्स के पास है. किस चीज की लाइन है ये? बेकिंग टेक्नोलॉजी है ये. पर उससे क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट? द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि द क्रंच रिमेंस अंटिल यू फिनिश योर बोल. नहीं, आप ये मशीन की बार बार बात कर रहे हैं, लाइन जिसको आप बोल रहे हैं, कोई तो बनाता है ना ये मशीन? Yes, तो अगर ये बनाता है तो मशीन बेचता भी है. तो या तो ये मशीन इतनी एक्सपेंसिव है कि सिर्फ 4 लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, या तो इसकी जरूरत नहीं है. ये लाइन काफी कैपिटल इंटेंसिव है, काफी महंगी भी है. कितनी एक्सपेंसिव? ये जब हमने लिया तब 15 करोड़ की सिर्फ एक ही लाइन थी. 15 करोड़? यस. ओके. And we are the only one who bakes our muesli in India. कितने products हैं आपके पास? Total SKUs 35 है. और आपका hero product क्या है? Granola. और उसमें भी mango coconut सबसे बेहतर है. और ये innovative flavors
कोई भी सीरियल ब्रांड पे या रैक में नहीं मिलेंगे। हम करीबन 6000 से ज्यादा आउटलेट्स में अवेलेबल है और ई कॉमर्स में भी हम बेचते हैं। तो आप बताइए आपका सेल्स कितना है? मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था जस्ट 2 months बिफोर द कोविड, दिसंबर 2019 वी डिड आवर फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन और जनवरी से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। अब जैसे ही हम एंटर हुए कोविड लॉकडाउन आया है, 19-20 का सिर्फ 12 लाख रुपए का सेल है। उसके बाद 2020-21 वी आर एट 2.28 crores, वेरी गुड, नाइस। 2021-22 वी आर 2.90, बड़ा नहीं ज्यादा। 2022-23 वी आर एट 4.6 crores। अभी रन रेट क्या है? 3.85 के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सितंबर तक, और हमारा टारगेट है विल रीच 8 करोड़ बाय मार्च। ऑनलाइन ऑफलाइन स्प्लिट 70% ऑफलाइन एंड 30% ऑनलाइन। देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग के बंदे हैं तो इससे समझ आ रहा है, आपने प्राइसिंग भी काफी अफोर्डेबल रखी है, ये 250 का है व्हिच इज गुड, आपने ऑफलाइन में घुसा दिया। पर जो ब्रांडिंग है यहाँ पे मतलब काफी एवरेज है, बहुत सारे फॉन्ट्स यूज किए हैं, बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, तो इसको कौन चलाएगा? पैकेज जो पकड़ा है दिस जस्ट अ ड्राफ्ट पैकेजिंग इसके लिए। सो हमारा जो फाइनल पैकेज अभी जो मार्केट में है वो ग्रेनोला का है, म्यूजली का है, मिक्सचर का है और मिनी बाइट्स का है। ओके, बट कौन करता है, ये आप खुद करते हैं? नो, वी हैव अ एजेंट, हमारी एजेंसी है ये। तो आपने सारा आउटसोर्स किया है, आउटसोर्स किया है पैकेजिंग। लास्ट मंथ कितना बर्न हुआ आपने? नहीं, हम वी आर नॉट अ बर्निंग कंपनी। प्रॉफिट कितना हुआ? इट्स 7-8%। तो यूनिट इकोनॉमिक समझाएंगे एक बार? So, COGS है मेरा 27%, 32% is my retail and distribution margin. 32 ये हो गया, 59 हो गया, और बताइए? 18% GST जाता है, 4% logistic cost जाती है, अच्छा, 8% salaries, और करीबन 6% average हमारा marketing cost जाता है। Marketing कम है, क्योंकि आपने offline crack कर दिया है, 6000 stores. आप bootstrapped है ना? हाँ, bootstrapped. और debt कितना है? Because 15 crore की अगर machine है. So factory में मेरा debt सिर्फ 6 crore का है अभी. 16 crore term loan लिया था, दूसरे सब पैसे हमने invest किए थे घर के. बाकी सब आपने equity डाली है? Yes. कितनी डाली equity? 14-15 crore रुपया. Growth क्यों slow है? कि सर पहले हमने एक ही product से launch किया था, सिर्फ granola था. फिर लगा कि एक प्रोडक्ट इज नॉट इनफ, सो हमको एक पूरा बास्केट चाहिए. तो 7 महीने पहले हमने ये प्रोडक्ट सब लॉन्च किया. पिछले 7-8 महीनों से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन UAE में चालू हो गया है, हम 400 से 500 स्टोर में अभी अवेलेबल है, और 2 महीने में 750 स्टोर में आ जाएंगे। वंस वी सैचुरेट द UAE मार्केट, हमारा 55 से 60 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ दुबई से आएगा। अभी जो 8 करोड़ का सेल्स है उसमें सब कुछ आप ही बनाते हैं या कुछ आउटसोर्स भी करते हैं? नहीं, सब कुछ हम बनाते हैं। हमारे 2 verticals है, एक है प्राइवेट लेबल, एक है ब्रांडिंग। आई गॉट 3 partners इन दिस, तो वो मेरे फैमिली ओन मेंबर्स हैं। आप 3 धंधे चला रहे हो, बॉस क्या कैसे करेंगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। धीरे जाते हैं बाद में, धीरे जाते हैं। तो पहले तो ये कंपनी है आपकी निवा न्यूट्री फूड्स, ये कंपनी में आपके तो 2 businesses हैं। वन इज ये ब्रांडेड एंड सेकंड इज प्राइवेट लेबल, प्राइवेट इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी जिसमें हम पैसे डालने वाले हैं। तो वो कंपनी इस साल कितना टोटल सेल्स करेगी पहले वो बताइए। ये आपको जो नंबर्स बताए वो फिट एंड फ्रेश का सेल्स है, इंक्लूडिंग प्राइवेट लेबल? नो, तो टोटल बताइए ना, आई वांट टू नो टोटल। प्राइवेट लेबल इज 15% मोर, 9 करोड़ सेल्स। हाँ, और आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या था मशीन का? 30% जितना है अभी फॉर 8 करोड़। हाँ, सो दैट मींस दैट कैन गो 3 times। यस, 25-30 करोड़ के बाद सेकंड मशीन लेना पड़ेगा। यस yes. तो यहाँ कैसे होगा? आप तो 3 partner का बता रहे थे, वो क्या? हाँ, तो वो लोग ब्रांड्स में नहीं है। ब्रांड कहाँ, निवा न्यूट्री में ही है कि अलग कंपनी है? निवा न्यूट्री फूड में ही। अभी हमसे इन्वेस्टमेंट लोगे, फिर ये जो आपके पास IP है इसका, जो आपके पास राइट है, उसको निकालोगे आप, एक अलग एंटिटी बनाओगे, उसमें हमारा शेयर रहेगा और उसको ग्रो करोगे। Exactly. लेकिन साथ साथ में Exactly. आपका शेयर प्राइवेट लेवल बिजनेस में बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पार्टनरशिप ऑलरेडी है और आपका 700 करोड़ का धंधा चलता रहेगा, यही बात है ना? एग्जैक्टली, तो आपके 3 business हो जाएंगे। हाँ, और मैं इसके लिए वजह से आउट हो जाऊंगा। मैं भी मतलब मैं बहुत ही कैटेगरी एक्साइटिंग है, आप इतने फिट एंड मैराथन पर ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज 3 business चला रहे हैं आपके। मैं चिप्स नमकीन ये तीनों चीज खाता रहूंगा, आप अपनी 3 business चलाते रहे, बाय बाय। आपने यहाँ लिखा है ईट हेल्दी, इसका मतलब आपने डायरेक्टली नहीं कहा है लेकिन implicit claim है कि ये healthy है आपके। आप सही में मानते हैं इसको healthy? Better for you products है। Better for you और healthy में बहुत फर्क होता है my friend। Okay। ये healthy नहीं है दोस्त।
What is oligofructose? It is biologically derived from cane sugar. जो sugar करता है ना आपके body को, same चीज oligofructose करता है. और आपका second most ingredient इसमें वो है. Technically, उसको oligofructose इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका composition different है. लेकिन ये मतलब नहीं कि वो healthy होगा. 100% healthy नहीं बिकता है. आज के लोगों को चाहिए sugar, चाहिए fried, चाहिए सब कुछ चाहिए. उनको अगर sugar चाहिए दे दो, healthy मत बोलो. जो मर्जी बेचो लेकिन सच बोल के बेचो. सही बात. हेल्दियर लिख दो, आई एम विद यू. हेल्दी मत लिखो. तो ये जो मार्केटिंग क्लेम है ना, ये ना अनएजुकेटेड कस्टमर को मिसलीड करने वाला मार्केटिंग क्लेम. तो जस्ट फॉर दैट रीजन, जस्ट फॉर दैट आई एम आउट. 4.5% आपने जो शुगर एडिट किया है उसको मिलाइए ये 10% ओलिगो फ्रुक्टोज से, तब जाके आपको असली एडिट शुगर का लाइक शुगर की मात्रा समझ में आएगी, विच इज 15%. No added sugar में लोग oligofructose डालते ही हैं, and then they are claiming no added sugar. ठीक है, आप ये बोल रहे हो सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. Personally, मुझे बहुत problem है जब ये type के claims किए जाते हैं. For that reason, I'm out. मुझे आप पे एक punt लेना है. Wow. Right? Because ये जो market है, it is going to grow big. Yes. क्योंकि people want different options for breakfast. मैं नहीं बोलती हूँ आप healthiest है, relative होता है, you are healthier. लेकिन आपका last year का sales है 4.6 crores. I would like to offer you 25 lakhs for 2.5% equity, valuing you at 10 crores, which is 2 times last year's sales, and 75 lakh debt at 10% interest to be paid over 3 years. Thank you, Namita ji, for the offers. आप डेप का कुछ कर सकते हो? डेप नहीं, क्योंकि दिस इज लिटरली आई एम टेकिंग अ पंट ऑन यू. आप चाहे तो सोच के आ सकते हैं. ये आपका और उनका स्टेक कितना है बाकी दो? 34, 33. तो जब आप कंपनी बनाएंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी मेरा पैसा, वो 100% इक्विटी आपके पास होगी? मेरे पास रहेगी. एक सेकंड, आप एसेट भी इस कंपनी में मूव करेंगे? मशीनरी? मशीन तो वही जाएगी ना. मशीनरी में तो प्राइवेट लेबर रहेगा मैडम. आपके बिजनेस में मैं पैसे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आपका यूएसपी लगा कि वो जो स्पेशल मशीन है उसके वजह से टेस्ट इज एक्सट्रीमली क्रंची एंड नाइस. अगर मशीन नहीं जाएगी मेरी कंपनी में तो आई डोंट हैव अ यूएसपी. अभी अगर मशीन किसी और के पास है, आई हैव जीरो कंट्रोल ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्वालिटी एंड टू एंड. फिर तो आप आउटसोर्स करेंगे. मेरा जो आज था वो सिर्फ ब्रांड के ऊपर था. झूठ बोलना बंद करो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. हेलो शार्क्स, मेरा नाम गुरसीत है और मैं स्मोटेक का फाउंडर हूं. पर आज आपको मैं स्मोटेक के बारे में बताने से पहले अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं. जब मैं सन 2000 में बॉम्बे आया दिल्ली से, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त बना. उसका नाम था निखिल. निखिल और मेरी बहुत अच्छी बनती थी, हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे. इसका रीज़न ये भी था कि हमारा एक कॉमन कनेक्शन था, हम दोनों साथ में सिगरेट पीते थे. लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि निखिल को स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो गया. ये पता लगने के सिर्फ 4 महीने के अंदर हमने निखिल को खो दिया. इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ मुझ पर, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि निखिल की फैमिली पर उसके जाने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है. और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी या मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि उन दिनों मैं भी कम से कम दिन में 40 सिगरेट पीता था. माय गॉड. और मेरे लिए वेकअप कॉल था, मुझे स्मोकिंग छोड़नी ही थी कैसे भी. एंड तब मैंने अपनी रिसर्च चालू की कि मैं स्मोकिंग कैसे छोड़ूं, और तब शुरुआत हुई स्मोटेक की. स्मोटेक एक दुनिया का सबसे पहला 100% नेचुरल और निकोटीन फ्री टैबलेट्स है, जो ना कि आपकी स्मोकिंग छोड़ने में मदद करते हैं, बल्कि स्मोकिंग से होने वाले दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स या बॉडी डैमेज को भी रिपेयर करते हैं. ये टैबलेट्स दुनिया भर से आए हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, मेडिकल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए हैं, और इसका फॉर्मुलेशन सेफ और इफेक्टिव है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर चुका है. शार्क्स, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्व है
कि मैं और मेरे जैसे 20,000 लोग आज तक स्मोटेक टैबलेट्स की वजह से अपनी स्मोकिंग छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हमने इसी प्रोडक्ट को रिसर्च करके गुटखा फॉर्म में बना दिया, जो गुटखा जैसे ही टेस्ट करता है, गुटखा जैसे ही स्मेल करता है, और आपकी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 5 से 6 दिन के अंदर यूज़ करने के बाद आपकी गुटखा की तलब 70 से 80% कम हो जाएगी, और ये टैबलेट्स कोई भी हमारी वेबसाइट पर खरीद सकता है। शख्स स्मोटेक एक बिजनेस नहीं, ये एक आंदोलन है परिवार और जिंदगियां बचाने का। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर इक्विटी ऑफ 1%। 100 crores। तो आप बताइए, आप में से कौन मेरे साथ आना चाहता है हर साल 80 लाख जाने बचाने के लिए इस मिशन में? यार गुरसीद, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये हादसा जो हुआ आपके दोस्त के साथ, ये कब की बात है? ये है 2012 की बात। और आपने कब सिगरेट छोड़ी? 2018-19 में मैंने अपनी सिगरेट कम्प्लीटली बंद कर दी। तो मतलब आपने इतना बड़ा लॉस देखा और उसके बावजूद आपको भी 7-8 साल लगे छोड़ने में? मैं अपनी स्मोकिंग जर्नी में 30 बार फेल हो चुका हूँ, बिकॉज स्मोकिंग का एडिक्शन होता ही ऐसा है। स्मोकिंग एक सिर्फ बायोलॉजिकल एडिक्शन ऑफ निकोटीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी है। आप जब स्मोकिंग करते हैं तो आप चाय के साथ करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, आप कई लोगों को तो मॉर्निंग डंप के लिए भी सिगरेट चाहिए होती है। और ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल होने की वजह से बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको छोड़ना। गुरसीद, मेरे को एक प्रॉब्लम है इससे। आप देखो, हमारे डब्बों पे भी ऐसी ऐसी खतरनाक शक्लें बनी होती है सिगरेट की, राइट? जी। और बहुत कोशिश होती है कि हर जगह लिखा हो स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बट फिर भी जो लोग स्मोक करते हैं ना, उनको आप कोशिश कर लो। मेरे ऑफिस में मैं उनको बोलता हूँ कि यार भाई इतनी स्मोकिंग मत कर, तेरे को पता है उससे क्या होता है? तो हंसते हैं कि भाई हमें पता है, हम फिर भी करेंगे। एक एडिक्शन जो है, इसको आप कितना भी बोल दो, ये क्विट करना इतना ईजी नहीं है कि आप बोलो कि ये ले लो और क्विट हो जाए। अगर आप किसी को भी कुछ क्विट कराना चाहते हैं, कोई भी चीज़, उसकी खुद की इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। एक गैट्स सर्वे है जो गवर्नमेंट का सर्वे है, उसके हिसाब से 70% स्मोकर्स क्विट करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। जो वो जोक सुना आपने, क्विटिंग स्मोकिंग इज सो इजी, आई डू इट एवरी डे। नो, आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। एक्चुअली गुरसीत, एक स्टैटिस्टिक मैं बताना चाहूंगी जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और उससे एक शॉक वैल्यू होता है कि एक सिगरेट से क्या आपको पता है कितने मिनट आपकी जिंदगी कम होती है? 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली। 13 मिनट्स। ये 95% सक्सेस रेट क्या है? 95% का मतलब ये है कि हमारी क्लिनिकल ट्रायल, जो कि डबल ब्लाइंड रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल मल्टीसेंट्रिक स्टडी है, यानी कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल स्टडी है, इसका आउटपुट ये है कि 95% ऑफ पीपल हु यूज आवर प्रोडक्ट ईदर क्विट और रिड्यूस सिग्निफिकेंट। ये काम आपने कब शुरू किया? ये देखिए, हमने रिसर्च इसकी चालू कर दी तकरीबन 2014 से। ठीक है। हमने एक अप्लाइड साइंस को यूज किया जो कि आयुर्वेदा बेस्ड है, जिसमें कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? आपको स्ट्रेस होता है, आपको रेस्टलेसनेस होती है, आपको एंजाइटी होता है, आपको आपका हार्ट बीट करता है। तो इन चीज़ों को एड्रेस किया, और हमने इसको 2016 में इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू कर दी, क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस पे काम किया। कितने पेशेंट्स थे क्लिनिकल स्टडी में? 100 पेशेंट्स। आपका जो फॉर्मुलेशन है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको ये 95% रिजल्ट्स मिल रहे हैं? सब कुछ लिखा होगा ना बॉटल पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या हम देख सकते हैं बॉटल? बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट सिर्फ मॉडरेट स्मोकर्स के लिए है, हैवी स्मोकर्स के लिए नहीं है? नहीं मैम, सॉरी, अगर मैंने आपको दूसरा बॉक्स नहीं दिया है, ये मॉडरेट स्मोकर है, एक हैवी स्मोकर है, एक लाइट स्मोकर है। ओके, तो अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ उसकी कोर्स वेरिएशन ड्यूरेशन डिफरेंट। ड्यूरेशन में डिफरेंस है, इंग्रेडिएंट सेम है। सेम है। आप एंग्जायटी की बात कर रहे थे। जी। तो अगर वैसी बातें आप करें और सच में आपके दवाई में ये गुण है, तो आप सिर्फ ये एंटी नॉन स्मोकिंग को क्यों और क्विट स्मोकिंग मार्केट को क्यों एड्रेस कर रहे हैं? आप तो पूरे ही मार्केट को एड्रेस कर सकते हैं। क्या ये आपका GTM है और बाद में आप इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर द नॉन स्मोकिंग मार्केट आल्सो? GTM का मतलब है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। जब किसी मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट उतारते हैं तो उसका कंपेटिटिव एडवांटेज पाने के लिए आप जो एक्शन प्लान बनाते हैं उसी को गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं। इसकी GTM बढ़ाने के लिए बाकी लोग, ये बाय डिफॉल्ट हमें आ जाएगा अगर इसको समझ में आए जो करना चाहेंगे, बट हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव स्मोकर्स को एड्रेस करना है जो कि 1.3 बिलियन पीपल हैं पूरी दुनिया में। US में दवाई आती है, यूरोप में भी मिलती है, चैंपेक्स शायद नाम है उसको, लेने से अगर आप सिगरेट पीते हैं जी तो तुरंत आपकी तबीयत खराब जी
और उससे बेहतर कोई भी सोल्यूशन नहीं है दुनिया में सिगरेट छोड़ने का, क्योंकि वो आपको सिगरेट पीने ही नहीं देते। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो ये सब क्लेम करती है, और आपकी पहली ऐसी दवाई नहीं है, और भी चीज़ें हैं मार्केट में जो कहते हैं इट मेक यू फील बेटर, आपकी एंग्जाइटी एड्रेस कर देंगे या सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब कहीं जाके फेल हो गई एक्सेप्ट दैट मेडिकेशन। ऐसा क्यों है अनुपम? क्या आप वो ऐसा लेंगे जिसको पता होगी मुझे सिगरेट पीने के बाद उल्टी होगी? जिसको छोड़नी है उसने तय कर लिया कि मुझे छोड़नी ही है जी, और नहीं छूट रही तो वह तो यही दवाई ले तो। और जिसको प्रिटेंड करना है छोड़ने की, वो बोलेगा कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, 10 से 5 कर दूंगा, वो छोड़ना नहीं कहता। सही बात। और जिसको नहीं छोड़नी है जी, वो भाई आप ये दवाई से तो नहीं छोड़ेंगे। जो सोशल ट्रिगर्स है, अगर मैं चाय पीने लगता हूँ, दूसरे दिन चाय आती है मेरे सामने जी, तो मैं I will not feel like कि अच्छा मैं सिगरेट भी ले लूं साथ। जिस तरह से हम कोई हैबिट को लर्न कर सकते हैं, हम अनलर्न भी कर सकते हैं, राइट? हमने कुछ ऐसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जो आपकी मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। तो ये एफर्ट तो आपको लेना पड़ेगा। ये मेडिसिन आपकी अर्ज को कम कर देंगी, आपको कंपल्सिवली स्मोक नहीं करने देंगी। तो ये सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ मुझे कुछ सर्विस भी अटैच करनी पड़ेगी, आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बात करनी पड़ेगी। मेरे साइकोलॉजिस्ट के साथ आप वो फ्री में सर्विस है, और पर हमने ये एक्सरसाइजेस रिकॉर्डेड हमारी वेबसाइट पे हैं, हमारे चैटबॉट्स पे। इसलिए ये QR कोड है, इस पे वो QR कोड इज फॉर दैट। जी जी बिल्कुल, QR कोड है। पर इंटेंशन लगेगी ना, टाइम लगेगा मेरा, है ना? सो एफर्ट है इसमें, है ना? ऑलमोस्ट ना रिहैब में जाने वाली बात है, करेक्ट, है ना? तो अगर किसी का मन है कि मैं रिहैब में जाके क्विट करूं तो वो कर लेगा। पर दीपेंद्र, उससे बड़ी बात ये है कि आपको इसमें 4 टैबलेट्स पर डे प्रिस्क्राइब किए हैं जी, एट 25 रुपीज पर टैबलेट, दैट्स 100 रुपीज अ डे, 3000 रुपीज का पैकेट है। तो 100 रुपए पर डे का ट्रीटमेंट आपको नहीं लगता महंगा है? प्राइसिंग डजंट मैटर If it works. तो अगर ये करता है काम तो जो कुछ भी बेस्ट लोग भी नहीं, नहीं करती प्रेस। नमिता जी, हमने आज तक 20,000 लोगों को हेल्प किया स्मोकिंग छोड़ने। मैं वहीं पे आना चाहता था, 20,000 आपको कैसे पता अपने 20,000 लोगों को हेल्प किया स्मोकिंग छोड़ने? हमारे पास जो ये आप बोल रहे हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने रहे आज तक? आज तक हम लोगों ने कम से कम हमारी वेबसाइट पे 32,000 के करीब लोग हैं जो वेबसाइट पे जिन्होंने हमसे बाय किया है, और हमने 8 से 10,000 लोगों को फ्री में मेडिसिन दी है। ऑन टॉप ऑफ इट, 40,000 हो गए। 40,000 लोग आपके टोटल कस्टमर बेस था जी। आपने क्लेम किया, 20,000 लोगों ने क्विट किया जी। आप मेरे को ये क्लेम को प्रूव करो कि ये क्लेम बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। मेथड मेरे पास उनके उनसे बात किए हुए हमारे कितने लोगों से बात करूँ? हम लोग हम सबको कॉल करते हैं। सैंपल सेट बेस्ड है या बिल्कुल एग्जॉस्टिव है ये? जो भी आदमी हमसे ये प्रोडक्ट बाय करता है, हम कंटिन्यूसली उनको कॉल करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं 3 महीने। कि 32,000 लोगों ने आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली बाय किया जी, उनमें से साइकोलॉजिस्ट और ये जो सर्विसेज वाला पार्ट है, वो कितने लोगों ने एक्सेस किया गाइडेंस सेशन? 70-80% लोग हमारी वो जो एक्सरसाइजेस है वो करते हैं। पर मंथ कितने नए आपके पास कस्टमर आ रहे हैं? अभी हम तकरीबन 3,500 से 4,000 लोगों को हर मंथ और भेज। आपके अकॉर्डिंग एक स्मोकर को कितने स्मोकर जानते होंगे? 4-5 पकड़ लेते हैं। तो आपके 20,000 लोग 1,00,000 स्मोकर को तो जानते हैं जी, उनके साथ सोशलाइज करते हैं रोज एवरी डे, करेक्ट जी? ये 20,000 लोग क्विट करके बैठे हैं जी, और आप कह रहे हो इनके 1,00,000 दोस्तों में से सिर्फ 4,000 लोग ही ये प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं आपके पास? No, not even 4,000. वो तो खर्चा भी कर रहे होंगे। खर्चा भी कर रहे होंगे। तो अगर ये 20,000 नंबर सही है ना, दिस वुड हैव गॉन वायरल। या तो वहां पे ना 95% लिखा हुआ है, actually data में 50 आ गया, but reality में ये 5 भी नहीं होगा। ये actually it will come down to the 3-4% success rate according to what I understand right now। तो 20,000 जो quit किए हैं, उन्होंने average कितने months ये use करके फिर quit किया? Average क्या duration? Average 1.5 से 2 महीने के अंदर लोगों का quit हो जाता है। सेल्स बता दीजिए, क्योंकि 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है जी, इतना हम 20,000, 50%, 95% एंड में एविडेंस सेल्स होता है। हमारी सेल्स पिछले मंथ हमने 1 करोड़ की सेल की है। फर्स्ट ईयर में हमने 2.81 करोड़ का टर्नओवर किया है। फर्स्ट ईयर कब था आपका? फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज द फर्स्ट ईयर। इज द फर्स्ट ईयर ऑफ सेलिंग दिस थिंग, बिकॉज़ इट हैज टेकन 8 years ऑफ रिसर्च टू अस। बाप रे। This year, we will do a turnover of 12 crore rupees and अभी तक हम 4.25 crore का turnover कर चुके हैं। ये 8 साल की research must have costed काफी पैसा लग गया होगा। कहाँ से आया पैसा? आपकी background क्या है? आप कौन हैं? I am a sculptor. I run a company for of by the name of Artifex.
It's an art installation company. Because this is so important to me, my most of energy and efforts goes to Smootech. Sculpting mein itna paisa hai bhai? Haan, agar aap mere jaise acha kar paaye to. Kitna paisa dala hai? 8 saal mein aapne kitne paise dale research mein? 5 to 6 crore. Aur usme sabse zyada paise kahan gaye? Clinical trials mein, consumer surveys mein, alag alag formulations try karne mein, alag alag manufacturers try karne mein. Aur abhi aapne kaha most of my time. Uska matlab aapki sculpting company abhi bhi shuru hai. Parallel do kaam kar rahe hain aap. Wo autopilot mode pe mera business hai. Autopilot kuch nahi hota. Autopilot na logon ko lagta hai ki hota hai. कभी कुछ ना टूटेगा उधर, आप सारा टाइम उधर जा रहे हो। मेरी लाइफ का डेडिकेशन ये है कि मैं 1.3 करोड़ लोगों को जो सिगरेट पीते हैं कैसे उनको हेल्प कर पाऊं, क्योंकि ये मेरा मिशन है लाइफ का। मुझे ऑल इन फाउंडर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि जिनका जो घुस के उस पर काम करें और सक्सेसफुल बनाने की तरफ, कहीं भी प्रॉब्लम आए पट कूद जाए, वापस आए और इसको ही सक्सेसफुल बनाए, रादर देन कि वो क्या बोलते हैं ना, दो बोट पे सवार हो। सेम रीजन है अमन के, जब मैंने आपको पूछा कि व्हाट डू यू मीन मोस्ट ऑफ योर टाइम, एज एन इन्वेस्टर हम नर्वस हो जाते हैं जब आप दो चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके, इस साल में अब तक प्रॉफिट कितना किया? इस साल में हमने 4.25 करोड़ का टर्नओवर किया है और हमारा पैट होगा 12%। पैट छोड़ो, EBITDA बताओ। हमारा ग्रॉस मार्जिन इज 80% एंड EBITDA कम्स डाउन टू 26%। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? EBITDA 26% कैसे अगर आपका PAT is 12%? हाँ, तो EBITDA 26 नहीं हो सकता। Taxation is 30%, so you can do, man, do the reverse calculation. EBITDA 18% हो गया ना? 18, sorry, yes, 18, you're right, जहां you're correct. मैं अनुमान लगा रहा हूँ, आपका खर्चा customer acquisition पे तो बहुत है। कितना है आपका CAC? CAC हमारा 750 रुपये, 750 से 800 रुपये। 20,000 लोगों की दुविधा आपने सुलझा दी, उसके बाद भी आपका CAC 50% है। जी, ये सच्चाई है। इसमें हमें काफी चीजों में काम करना है। 20,000 लोग आपके कस्टमर्स हैं, सक्सेस रेट पे बैठे हैं, करेक्ट? और आपका CAC इतना ज्यादा है, आपका रेफरल रेट इतना हाई होना चाहिए था, तो विच मेक्स मी बिलीव कि आपका प्रोडक्ट चलता नहीं। यस, आई कुड बी रॉन्ग। दीपिंदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को बात पूरी करनी है। जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यूएशन क्या है, मेरे को इससे भी फर्क नहीं पड़ता आप दो चीजें करते हो, बिकॉज मैं भी पहले एक चीज करके अब दो चीजें करना सीख गया। बट अंडरलाइन इशू मेरा ये है कि ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि चलता नहीं, इसलिए आई एम आउट। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ दीपी से। आप दुनिया में आपका ब्रांड ओवरनाइट आपका स्टॉक खत्म हो जाना चाहिए अगर ये करेक्ट है तो। आई थिंक आप बहुत अच्छे मार्केटर हो, पर ये प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस इसकी क्वेश्चनेबल है, आई एम आउट। आपने वो सुना है, इफ एन आइडिया और प्रोडक्ट इज गुड, It'll cut through butter like a hot knife. अगर product में दम होता है ना, वो मतलब it does the work on its own. उसको marketing. But the butter has to be in open platter. जो भी हो, उसको marketing की ज़रूरत भी नहीं होती है. This butter is on open platter. This butter is on open platter. Time out. This butter is on open platter. The world desperately needs this. Yes. लोग ना अगर इतने पैसों में क्विट कर रहे होते, अपने दोस्तों के लिए खुद पैसे देते क्विट करने। सब आपकी तरह नहीं सोचते ना दीपिंदर जी। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से प्यार है। जी गुरसित, आप एजिटेट मत हो, टाइगर अभी बाकी है। आप मेरे को ये बताओ, आपको ये सब नॉलेज कहाँ से आई आयुर्वेदा के बारे में? आपने इतने साल सिर्फ क्विट स्मोकिंग के बारे में सोचा? जी, मैं आपने आयुर्वेदा जनरली आपने रिसर्च किया? आयुर्वेदा जनरली रिसर्च किया और क्विट स्मोकिंग मेरा उसमें फोकस रहा। कितने लोग हैं टीम? 10 लोगों की टीम है। मार्केटिंग वगैरह सब? उसके अलावा हमने हमारी आउटसोर्स एजेंसीज है। एक्विटी किसके पास है? मेरे पास है। कितनी? 100%। और 5 करोड़ रुपए आपने डाले हैं? जी यार, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, एक तुक्का है, आप प्रॉफिटेबल भी हो, बेट इस बात पे है कि हम आगे जाके और दवाइयाँ निकालेंगे इन द आयुर्वेदिक फील्ड। एक तो मेरे कंडीशन जो आपने कहा 20,000 लोगों की आदत छूट गई, चलो वो बात 100% नहीं निकलेगी, लेकिन 70-80% वो बात सच निकलनी चाहिए, वो हमको वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरीफाई 100%। एंड फाइनली हमें और मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो यार बंद हो जाएगा धंधा, राइट? सो माय ऑफर इज सिंपल, 50 lakhs इक्विटी फॉर 5%, 50 lakhs डेट एट 15% फॉर 3 years, इट्स अ क्रेडिट लाइन, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं इसको, दैट्स योर ओके, क्योंकि मेरे को इंश्योर करना है कि मेरा पैसा रिटर्न होगा और मेरे को अपसाइड होगा, तो दैट्स माय ऑफर टू यू। अनुपम, मैं आपके इस प्रपोजल में आपकी जो टर्म्स हैं उसके लिए एग्री हूँ,
मुझे आपका 50 लाख रुपीस डेट भी मंजूर है, बट मैं आपको इक्विटी के लिए काउंटर ऑफर करना चाहता हूँ। बोलो आपका हक है। आई विल बी एबल टू ऑफर यू 2% फॉर 50 लाख रुपीस। नहीं भाई, माय एक ही शाक है यहाँ पर, मेरा ऑफर नॉन नेगोशिएबल। अनुपम, कैन वी नेगोशिएट टू 3%? नहीं बॉस, नॉन नेगोशिएबल। टेक इट और लीव इट। इट हैज टू बी अ विन-विन। ओके, लेट्स डू द डील। रियली? यस। कांग्रेचुलेशंस गाइस। We hope it plays out well and helps more people. Yes, I am happy. और मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि मैं कैसे अपने इस मिशन को आगे बढ़ाऊँ और अनुपम के साथ मिलके हम कंपनी को आगे और कैसे लेके जाएं और कैसे एक नई वैल्यू और लोगों में ये विश्वास जगा पाएं कि अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो स्मोकिंग छोड़ना पॉसिबल है, तंबाकू छोड़ना पॉसिबल है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम विवेक है। मैं हूँ अनन्या। मेरा नाम है नितिन। मेरा नाम ईशान है। हम दिल्ली से आए हैं और हमारा ब्रांड है सुखम। शार्क्स, हम सब भारतीयों को क्रिकेट तो बहुत पसंद है, पर सोचिए अगर आपका फेवरेट बैट्समैन कभी जीरो पर आउट हो जाए। फिर चलो एक दो बार तो चलेगा, अगर वो बार बार जीरो पर आउट होने लगे तो हम एज फैंस तो दुखी होंगे, पर हमसे भी ज्यादा दुखी होगा हमारा फेवरेट बैट्समैन। मैच चाहे बेडरूम में हो या क्रिकेट के पिच पर, हम कभी भी जीरो पर आउट होना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट हम तो यही चाहेंगे कि हम दोनों जगह हर बार सेंचुरी मार के निकले। हम मर्दों की सेक्सुअल वेलनेस के बारे में कोई बात नहीं करता है और इसके तीन प्रमुख कारण है, टबू, लैक ऑफ अवेयरनेस और स्टिग्मा। एक सर्वे के अनुसार भारत में 10 में से लगभग 4 मर्दों को किसी ना किसी तरह का सेक्सुअल हेल्थ इशू है और सेक्सुअल वेलनेस की ये मार्केट हर महीने 65% से ग्रो कर रही है। सुखम एक मेंस सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट प्लान आधारित है वाजीकरण पे, जो कि आयुर्वेद की एक ऐसी शाखा है जिनमें इन प्रॉब्लम्स को दबाया नहीं लेकिन ठीक किया जाता है। सुखम में हमने अपने प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फॉर द नीडी एंड द ग्रीडी। फॉर द नीडी कैटेगरी में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। फॉर द ग्रीडी में हम आयुर्वेदिक ल्यूप और डेट नाइट शॉट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स क्लासिकल मेडिसिन और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सुखम की शुरुआत 2022 में हुई थी और पिछले एक साल में हमने 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सेंचुरी बनाने में मदद की है। हमारा विजन है कि हम सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री के नंबर 1 ब्रांड बने। सो शार्क्स, हमारे इस मिशन में हमें आपसे 3.33% इक्विटी के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आप भारत के हर T20 बैट्समैन को टेस्ट बैट्समैन बनाने में हमारी मदद करेंगे? वेलकम टू शार्क टैंक विवेक, अनन्या, नितिन एंड ईशान। थैंक यू। आपकी ऐसी क्या पर्सनल सिचुएशन थी कि आप चारों ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोची? मैं प्रोफेशनली एक परफॉर्मेंस मार्केटर रहा हूं पिछले 10 साल से। मैं यही कर रहा हूं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन? पन इंटेंडेड। वेल, दैट्स अ लॉट ऑफ दैट्स गोना बी अ लॉट हियर बाय द वे। सो मैं बहुत टाइम से परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े लेगेसी ब्रांड्स के साथ भी ये काम किया है। मेरी खुद की अपनी एक एजेंसी भी होती थी और मैं एक अफिलियट मार्केटर भी था। सो मैं US में न्यूट्रास्यूटिकल्स अफिलियट पे बेचता था और वहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज वाज आइदर वेट लॉस या सेक्सुअल वेलनेस। और मैं ये देखता था कि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल की पोजीशनिंग देके बहुत सारे मार्केट्स में बेचा जा रहा था एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस। तो हमने शुरू करा एक्सेस सप्लीमेंट। नाउ एक्सेस सप्लीमेंट मेरा, नितिन का और ईशान का एक ब्रांड था जो इससे पहले हम लोग चलाते थे। Excess of anything is bad, वाला excess, पर X और S। ऐसे लगता है कि छोटे हो जाओगे। So,
सो उसमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज थे, उनमें से एक कैटेगरी था सेक्सुअल वेलनेस। अब 2 साल हमने बिजनेस चलाया, 2 साल में हम लोग मंथली 40 से 45 लाख के रन रेट पे पहुंच गए। ये कैश प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्योर प्ले D2C था, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी। एक चीज जो हमने रियलाइज करी वो ये थी कि सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में लोग प्रोडक्ट्स तो बाय करना चाह रहे थे और डिमांड भी सबसे ज्यादा थी इन 5 कैटेगरीज में, पर वो आते थे इम्यूनिटी बूस्टर बोल के और फिर बाद में सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते थे। तो देखो मार्केट में ग्रोथ तो है ये तो समझ आ रही थी, बट कोई बात नहीं कर रहा ये भी समझ आ रहा था। जब हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, हमने अपना मार्केट रिसर्च शुरू करा, एंड दैट्स व्हेन अनन्या जॉइंड अस। So I used to run my own design agency by the name of Brand8. Brand8, nice wordplay. So, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला मुझे. And Vivek and I have been dating for the last 7 सालों से डेट कर रहे हैं. तो at that point of time मुझे दिखा कि कितना पैशन था इनमें. So that is when I decided to join them and help them with their branding and communication. Okay. So हमने सोचा कि एक non-linear brand बनाने का यहाँ पर मौका है. ये एक इन्वेस्टेबल स्टार्टअप लग रहा है, राइट? इससे पहले भी मैं एक VC फंडेड छोटा सा बिजनेस कर चुका था जो बहुत ही बड़ा फेलियर था। 2022 में हमने सुखम की शुरुआत करी। सुखम शुरू करने से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी। पहले हम लोग गए सारे अलग अलग ऑप्शंस पे। मैं खुद 50 डॉक्टर्स से मिल चुका और उन लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसा क्या देते हो जिससे हम लोगों की ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मोस्टली आंसर्स यही आते थे कि आप एक ये पर्टिकुलर पिल खा लो या आप ये एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो कर लो। तो हमें लगा अगर इतना बड़ा सिल्वर बुलेट है और एक ही सोल्यूशन सबके लिए है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्यों? फिर मेरे को वाजीकरण के बारे में पता लगा। ये एक ऐसी पद्धति है आयुर्वेद की जो डेडिकेटेड मेन सेक्सुअल वेलनेस के लिए बनी है। इसमें सप्त धातु कॉन्सेप्ट होता है। आयुर्वेद इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अलग दृष्टि से देखता है, पहले वो समझते हैं। सप्त धातु कॉन्सेप्ट में 7 अलग अलग बॉडीली टिश्यूज बोलते हैं जो रस धातु से शुरू होते हैं और शुक्र धातु पे खत्म होते हैं। ये 7 अलग अलग बॉडी टिश्यूज को अगर आप नरिश कर दो तो शुक्र धातु जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो ऑटोमेटिकली नरिश हो जाता है। सो उस सब धातु को थोड़ा टेक पे लाकर उसे असेसमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके आगे फिर से आयुर्वेद से 3 पिलर्स लेके निदान, औषधि और परामर्श, विच मींस कंसल्टेशन, मेडिकेशन एंड काउंसलिंग, इन पे प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज के साथ। हिंदी तो बॉडी सॉलिड है। थैंक यू यार, अब इतने ग्रंथ पढ़ लिए ना सर, आजकल इससे भी बोलता हूँ तुम्हें प्रेम करता हूँ, ठीक है? That's a good one. So, इन सब चीजों को हमने कंबाइन करके एक प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स का मॉडल बनाया। अब होता क्या है, अगर मैं कहीं भी मार्केट में जाके इन प्रॉब्लम्स के बारे में, अच्छा हम मर्दों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फोन लेना है तो टेकी दोस्त से फोन करके पूछेंगे जरूर कि भाई तू कौन सा वाला बताएगा मेरे को फोन लेने के लिए, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधा मर्दानगी से जुड़ती है। तो अभी हमने सुखम में कैंपेन भी किया, दिल्ली के 28 मार्केटों में गए और नुक्कड़ नाटक किया। मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमने बोला आप इंटरनल मीटिंग्स में भी आप ही बोलते हो सारा, अब ये दिनों देखते हैं। तो आपने शंकर महादेवन का सॉन्ग सुना है ब्रेथलेस? आप ट्राई कीजिए, आप क्रैक कर दोगे। सीरियसली मैन, अमेजिंग। थोड़ा सुखम सांस सांस। नो बट लव द एनर्जी। थैंक यू। प्रोडक्ट टेस्ट तो कर नहीं सकते तो दिखाई दे। तो क्या आप सिर्फ मेन के लिए बेचते हैं? अभी तो हम लोग बस मेन सेक्सुअल वेलनेस पे फोकस कर रहे हैं। आपकी इमेजरी सारी कामासूत्रा इंस्पायर्ड है? जी। बढ़िया पैकेजिंग वगैरह है, धंधा वंदा सही कर रहे हो? धंधा ठीक चल रहा है सर। अभी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, थोड़ी देर इन लोगों से कर लेते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 47.5 लाख का नेट रेवेन्यू किया था। अगस्त में नेट रेवेन्यू कितना था? ये अगस्त में हम लोगों ने किया है सर 21.67, और अभी तक एक ही SKU है। नहीं, यहां तो बहुत SKU दिख रहे हैं। अगस्त में एक ही SKU बेचा? नहीं, मैं बताता हूँ। सो अगस्त में एक ट्रीटमेंट प्लान बेचा। अब उस एक SKU के बाद 2 और SKU उसका अपसेल है, राइट? बट वो तीनों परफॉर्मेंस बूस्टिंग प्लान है। अच्छा, समझ गए। तो आप सिर्फ अभी परफॉर्मेंस बूस्टिंग बेच प्लान बेच रहे थे और बाकी प्लान है लेकिन अभी तक किया नहीं। जी। आपके पास क्या एविडेंस है मुझे प्रूव करने के लिए दैट दिस वर्क्स? ये सारे फॉर्मुलेशंस इंडियन मटेरियल अमेरिका पे बेस्ड है। उसके बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा फाइन ट्यून करा है। हमारे पास खुद हमारा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है, उन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को आयुष मिनिस्ट्री से पहले तो अप्रूव कराया। उसके बाद इसकी मल्टीपल लैब टेस्ट हुई, NABL एक्रेडिटेड लैब से क्लिनिकल टेस्ट हुई, उस पार्टिकल एनालाइजर टेस्ट हुआ, हैवी मेटल हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ। उसके बाद वो ज्यादा सेफ्टी के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं धीरे-धीरे मैं एफिकेसी का पूछ। सो अभी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूं आपसे। जी, आप टू द पॉइंट आंसर कीजिए ना, थोड़ा सा ये मान के चलो कि हमें भी कुछ पता है। जी जी, डायरेक्टली आप आंसर। मैं एफिकेसी के बारे में आपसे एविडेंस विद नंबर्स, टाइमलाइंस, स्टैटिस्टिक्स, आप वो बताइए। सो हम लोगों ने
परफॉर्मेंस बूस्टिंग प्लान को पूरा एंड टू एंड मॉनिटर करना शुरू करा है। अभी तक हम लोग अराउंड 1300 लोगों को ये पूरा प्लान दे चुके हैं। इस प्लान में हम लोगों का जो इंटरनल लर्निंग है वो ये है कि 83% सक्सेस रेट है हमारा। कैसे कैलकुलेट किया 83%? हम लोग हर कस्टमर को एक निदान जो कि कंसल्टेशन कॉल जिसमें हम उसकी बॉडी टाइप जानते हैं वो लेते हैं और उसके बाद एक फॉलो ऑन कॉल लेते हैं फीडबैक का और एक काउंसलिंग कॉल देते हैं साइकोलॉजिस्ट से जिसमें वो उनसे बात करते हैं उनके साइकोलॉजिकल इश्यू। आपके कस्टमर तो आपके गिनी पिग नहीं होंगे ना, अपने कस्टमर को देने से पहले कहीं टेस्ट किया होगा, क्लिनिकल ट्रायल किया होगा? अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं करा है, अब हम लोग CTRI में इसे रजिस्टर करा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसकी एफिकेसी क्लेम करेंगे। तो क्या ये सही है कि एक्सेप्ट फॉर 80% कस्टमर्स ने जो पॉजिटिव फीडबैक दिया है उसके अलावा अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है? हाँ, मतलब अभी तो हम लोग अपने डेटा पे ही चल रहे हैं। और ये 65% आपने बोला मंथ ऑन मंथ ग्रो करता है, ये कहां का नंबर है? इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री 65% मंथ। कोविड के बाद एक आर्टिकल आया था जिसमें इस पर्टिकुलर मार्केट को 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्लेम कर रहे हैं। किस बेस पे? ये टोटल मार्केट जो है अगर मैं वैसे बताऊं तो ये अभी $1.3 billion का क्लेम करा था 2020। 11,000 करोड़ का मार्केट 65% मंथ ऑन मंथ ग्रो ही नहीं कर सकता बॉस। पता है कितना हो जाएगा एक साल के बाद? एक साल में कंपाउंड किया 12 टाइम्स 65% करा। साल में तो इंडिया की GDP से ज्यादा हो जाएगी। हम लोगों ने जो डेटा पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, आप धंधा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर, मैं नहीं, आपने यहाँ पे लगा दिया वो नंबर बिना सोचे कि सब शार्क सोचने लगेंगे वाओ व्हाट अ नंबर। नहीं, ये टोटल मार्केट जो है अगर मैं वैसे बताऊं तो ये अभी $1.3 billion का क्लेम करा था 2020। 11,000 करोड़ का मार्केट 65% मंथ ऑन मंथ ग्रो ही नहीं कर सकता बॉस। पता है कितना हो जाएगा एक साल के बाद? एक साल में कंपाउंड किया 12 टाइम्स 65% करा। साल में तो इंडिया की GDP से ज्यादा हो जाएगी। हम लोगों ने जो डेटा पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, आप धंधा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर, मैं नहीं, आपने यहाँ पे लगा दिया वो नंबर बिना सोचे कि सब शार्क सोचने लगेंगे वाओ व्हाट अ नंबर। कोई भी ऐसा वैनिटी पॉइंट लेके हम नहीं आए, कोई भी नंबर जो हम बोलते हैं, पहले तो ये हाईली अंडर रिपोर्टेड कैटेगरी। आप अंडर रिपोर्टेड 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कैसे बोलते हैं? सेक्सुअल वेलनेस मार्केट, मेन सेक्सुअल वेलनेस मार्केट का वो आर्टिकल नहीं था। नहीं नहीं, आपने गलत नंबर बोला, आप वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैम मैंने एक जगह से कोट किया, मे बी वो नंबर गलत हो सकता है। कितने सालों में कितनी कंपनी करी है तुमने? ये मेरा थर्ड स्टिंट एट एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप कैसे देखो। काफी सारी चीजें बोल दी तुम, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, काफी सारी चीजें थी ना जी। आपका एवरेज टाइम एट ए कंपनी कितना है अभी? सर शुरू में तो मतलब साल भर भी नहीं होगा, मैं तो बहुत फिगर आउट कर रहा था चीजें। परसिस्टेंस कितनी है आपकी? परसिस्टेंस सर अगर मैं बोलूं तो शायद एक्सेस और सुखम ही है जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम तक रहा हूं। कितना टाइम? 2 साल एक्सेस चला था, फिर 1.5 साल अब सुखम को गया। टू अर्ली, प्रूफ पॉइंट नहीं है, कुछ चलता है नहीं चलता है, टू मच टॉक आल्सो, आई एम आउट। भाई आपने एक बात कही, 1200 कस्टमर है आज तक, आप 21 लाख रुपए कैसे कर रहे हो महीने का? कितना ले रहे हो एक कस्टमर से? नहीं नहीं, 1200 कस्टमर्स फ्रेश है, 40% हमारा। आपको थोड़ी इरिटेशन हो रही है क्या? नहीं, नहीं समझ रहे, नहीं थोड़ा लग रहा है ऐसे बॉडी में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। अच्छा बताइए मान सर। सो हम लोग का 1200 टू 1300 न्यू कस्टमर्स है और फिर 600-650 हम लोग पुराने कस्टमर्स को भी अपसेल और रिटेंशन है हमारा। आप एक बॉटल लेंगे तब भी आपको ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ेगा, अगर आप पूरा ट्रीटमेंट प्लान एक बार में लेते हैं तो अच्छी बात है। कितना है एक ट्रीटमेंट प्लान? 2499 चार्ज कर रहे हैं अभी। तो 2000 कस्टमर, 21 लाख रुपया महीना एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हाँ जी, तो आप निकाल कैसे रहे? एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 से 1034 रुपए के बीच में पड़ता है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एवरेज 1034 मान लीजिए आप। इतना कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए अगर उसे साथ के सर्विसेज मिले। आप इसको ऐसे समझिए, 999 का उसने एक बॉटल लिया, उसमें उसको काउंसलिंग भी मिल रहा है, कंसल्टेशन भी मिल रहा है, उसके पास डाइट चार्ट, योगा चार्ट, अलग अलग हमने पूरा प्रोडक्टाइज कर रखा है इसको, सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है, राइट? तो हम कस्टमर्स के साथ बने रहते हैं। तो काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलर्स है सर। तो उनको पैसे देते हो? जी सर। मतलब 21 लाख की सेल में कितने बचे घर में? सर अभी तो हम लोग बर्न कर रहे हैं फिलहाल। किसका पैसा बर्न कर रहे हो? हमने पैसा रेज किया है ना। कितना रेज किया, क्या वैल्यूएशन पे? सो हमने 1.25 रेज करा था 15% के वैल्यूएशन पे, डाइल्यूशन पे 8.33 करोड़, एंड उसके बाद एक फॉलो ऑन एंजल राउंड करा था 5% का। कितना रेज किया? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। और अभी कितना बर्न कर रहे हो पर मंथ? 5 लाख 5.5 लाख के लगभग। और आपको 20 करोड़ की वैल्यूएशन मिली कैसे इतने छोटे बिजनेस? हमारे एंजल्स
का काफ़ी कन्विक्शन रहा है हम पे, और मेरे हिसाब से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएटर बहुत ठीक बना लिया था उस समय तक कि हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी है. डेलिब्रेटली हमें पता था बिकॉज हम लोग वो करके आ चुके थे, राइट. हम लोगों को नहीं करना था डिले स्प्रेज, टॉपिकल वाइप्स, नहीं क्लेम करना था कि वी विल हेल्प यू लास्ट लॉन्गर. हम ये बोल रहे थे आप ठीक है, आपको बेहतर कर देंगे. हमारी कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू नहीं होती कि भाई तू ठीक ही नहीं. आयुर्वेदिक लॉन्ग लास्टिंग ऑयल एंड वी विल मेक यू लास्ट लॉन्गर में क्या डिफरेंस है? अब ये तो परसेप्शन है ना, आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और इट विल मेक यू लास्ट लॉन्गर. पर अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप यू विल लास्ट 5x लॉन्गर जो दूसरे ब्रांड्स के फनल है, राइट. थोड़ा सा लगता नहीं है टोमेटो टमाटो यू नो वो टाइप का फर्क है. इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पिछले 1.5 साल में रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गई है एडवर्टाइजिंग, राइट. इनफैक्ट आप कोई भी बड़ा ब्रांड देख लो आयुर्वेदिक, उसके इन कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है. तो ये बिजनेस बड़ा कैसे हो सकता है इवन इफ मार्केट इज लार्ज? सो मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस है क्लेम्स के. हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर को देख लो, वो इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, इंक्रीज योर विगर, इंक्रीज योर स्टेमिना पे काम कर रहा है, राइट. हम ये कम्युनिकेशन करते ही नहीं. हम कम्युनिकेशन ही वहीं से शुरू करते हैं कि वाजीकरण पे आधारित एक आयुर्वेदिक ब्रांड जो सब धातु से आपको ठीक करेगा या बेहतर करेगा. आई एम एन एविडेंस बेस्ड पर्सन. जब मैंने आपको एविडेंस मांगा और आपने कहा 1300 कस्टमर्स, 83% सक्सेस बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद देम, मैं कन्विंस नहीं हूँ. और फार्मा में तो आपको पता है बहुत सारे मेडिकेशंस है विद अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एविडेंस. तो मैं आयुर्वेदा सब में बिलीव करती हूँ, बट यू कुड नॉट कन्विंस मी कि आपके पास वो डेटा है. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. मुझे लगता है अभी ये अनप्रूवन इंडस्ट्री है जिसमें पता नहीं कोई, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं अभी, देयर आर मीट कैटेगरी में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं लग रहा लोगों को वेदर इट विल सर्वाइव और नॉट. सेम इस कैटेगरी का मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक कि ये नॉट एज अ कंपनी बट आपकी इंडस्ट्री और आपकी कैटेगरी ही एग्जिस्ट करेगी थोड़े टाइम बाद, या क्या होगा और कैसे ग्रोथ होगी मुझे उसका समझ नहीं आ रहा. और मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसमें पैसे बना पाऊंगा. और द सेफ्टी आई एम, एक तो ये जो प्रॉब्लम एरिया है ना, आपने सही पकड़ा है. चलो थोड़ी हंसी मजाक होती है लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू है. बिल्कुल, हाँ जी, राइट. जिस पे बीतती है ना, हाँ जी, वही जानता है, बिल्कुल, राइट. और क्योंकि लोग वल्नरेबल रहते हैं, हाँ जी, तो दे विल बाय. लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये एरियाज में एफिकेसी, एक ट्रस्टेड ब्रांड, भरोसा बनाना बहुत जरूरी होता है. लेकिन आपके पास अनप्रूवन प्रोडक्ट्स और आप उनको बेच रहे हो, तो आई थिंक वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. दूसरी बात, आयुर्वेदा जो है ना, मैं बहुत मानता हूँ कोई कोई प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदा के आप ऑफ द शेल्फ बाय खरीद के, जैसे अश्वगंधा है, उसकी एफिकेसी एस्टेब्लिश हुई, लेकिन वो बहुत कम प्रोडक्ट्स. ऐसी गंभीर परिस्थिति में आई डोंट थिंक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स चलते हैं. ये वल्नरेबिलिटी का थोड़ा फायदा उठाने की बात हो गई आई थिंक. और क्योंकि ये भरोसे का बिजनेस है और जिस तरह से आपसे बातचीत हुई, मेरा कहीं भरोसा नहीं बन पा रहा है आपके ऊपर. सो अनफॉर्चुनेटली आप जो चीज आप बार बार बोल रहे हैं, प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विस, मुझे वो अभी होते हुए नहीं दिख रही है. काफी इनएफिशिएंट काउंसलिंग बेस्ड सर्विस बिजनेस ज्यादा लग रहा है. आई थिंक प्रोडक्ट एक एड ऑन है. तो मुझे ये स्केलेबल प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस होते हुए दिख नहीं रहा है. फॉर दैट रीजन आई एम आउट एज वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस. जीवन सुखम. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रिंसिपल शार्क एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, मिस नमिता थापर. मैम वेलकम. गगनदीप सिंह बैंगलोर से पूछ रहे हैं कि डू प्रॉफिट्स नो लॉन्गर प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग हाउ गुड अ कंपनी इज रनिंग? सो गगनदीप, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट विंटर, जहाँ फंडिंग काफ़ी कम हो चुकी है फॉर दोज कंपनीज आर ओनली टॉकिंग अबाउट sales, sales, sales and loss, 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 right? तो एक time था जब people were only focused on क्या sales है और कितने fast grow हो रहे हैं, and losses was almost fashionable. अभी it's exactly the opposite. Even if आपके पास अभी profits ना हो, investors को चाहिए कि you show them a path to profitability. And so profit is king, profit is queen. Better focus on that. So basically profit important था ही, but this time around, are you guys as investors focusing more on just numbers? Not really, because काफ़ी सारे ऐसे भी companies आई हैं जो very early stage है, and उन cases में we are definitely betting on the founders. But again, founders who are real domain experts,
जिनको उनके नंबर्स पे बहुत अच्छी ग्रास्प है. यू नो, हमें एक यकीन होता है कि he or she knows their job and they will make profits. Got it. Thank you very much for your valuable insights, ma'am. Thank you very much for joining us. Aap se milte hain agle Aaj Se Shark mein with a new shark and a new question.